दोस्तों 4 दिसंबर से शुरू होने वाली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया बांग्लादेश पहुंच चुकी है। क्या है मैच का शेड्यूल, कितने बजे से मैच होगा और कब कब मैच होगा, आइए जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्रिकेट की सही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश दौरे के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है, इसके बाद 2 टेस्ट मैच होने हैं। दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उपकप्तान, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और कुलदीप सेन। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स का नाम रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव। पहला वनडे 4 दिसंबर को मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 7 दिसंबर को मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा वनडे 10 दिसंबर को चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे के तीनों मैच सुबह 12:30 बजे से शुरू होगा। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर को चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 22 से 26 दिसंबर को मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले लाइव मैचों का लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकेंगे, क्योंकि इसी के पास वनडे और टेस्ट सीरीज के लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच देख सकेंगे, जबकि ऑनलाइन मैच देखने के लिए आपको सोनी लाइव ऐप की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आप इसकी ऑफिशियल पर वेबसाइट पर भी मैच देख सकेंगे। क्रिकेट की सही और ताज़ा जानकारी के लिए क्रिकेट 360 हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।